जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या-क्या होते हैं, और जो उसका पहला टॉपिक था वो था ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के अंदर हमने बताया कि बटन होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, स्क्रू होता है, बॉटम साइड, फ्रंट साइड, उसके अंदर डिफरेंट साइज होते हैं। आज हम बात करेंगे ड्राइंग बोर्ड के साइज, यानी कि साइज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड। साइज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड फ्रेंड्स, इसके अंदर भी चार टाइप्स के बोर्ड होते हैं। हमारे जो बोर्ड होते हैं, यानी कि मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, वो चार टाइप के होते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, सीरियल नंबर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्रम संख्या, दूसरा डेजिनेशन मींस होता है पद, यानी कि वो उसका क्या नाम आने वाला है, क्या उसका नाम है। उसके बाद साइज इन एमएम, साइज इन एमएम, यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार टाइप के हमारे बोर्ड होते हैं। बोर्ड नंबर वन, जिसका नाम दिया गया है D0, जिसका नाम दिया गया है D0, ऐसे करके हम इसके बॉक्स बना लेंगे। अब यहां पर D0 का जो साइज है वो है 1500, 1000 और 25। ये क्या है 1500, क्या है 1000, क्या है 25, क्या है, ये मैं आपको एक डायग्राम में समझा देता हूं। कि जो भी कोई डायग्राम है, जो हमारा बोर्ड है, जैसे कि ये एक बोर्ड हो गया, जो ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, ये वाला, ये हमारा होगा 1500, यानी कि 1500 हमारी क्या हो गई, लेंथ। उसके बाद दूसरा 1000 है, यानी कि इसकी चौड़ाई 1000 है, जो कि हमारा हो गया विड्थ। और तीसरा जो कि मोटाई है, वो हमारा हो गया 25, यानी कि वो हो गया थिकनेस, लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई, ठीक है। यानी कि 1500, 1000, 25, यानी कि जो सबसे बड़ा बोर्ड होगा D0, उसका क्या साइज होगा 1500, 1000, 25। इसके बाद D0 से D1, 2, 3, जितना भी हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे उतने ही घटते क्रम में हम जाते हैं। जैसे सीरियल नंबर 2 पे देखेंगे हम, सीरियल नंबर 2 पे D1, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो इसका 1000 है वो D1 का पहला है, 1000 गुना अगला जो इसका होगा 1000, यानी कि यहां पर होगा 700, 25 सेम रहेगा। D0 और D1 में 25 हमेशा सेम रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं सीरियल नंबर 3 पे, जिसका नाम है D2, सेम चीज, 700 हमारा फ्रंट पे आ जाएगा, 700 हमारा फ्रंट पे आ गया, 700 गुना 500, अब आ जाएगा 25 था पहले, यानी कि थिकनेस जो थी 25 थी, वो बड़े बोर्ड की बात कर रहे हैं। अब यहां से छोटे बोर्ड पे आ जाते हैं, जिनका ये आ जाएगा 15, यानी कि मोटाई इसकी 15 हो जाएगी। अब D4, यानी कि जो बोर्ड के हिसाब से लास्ट साइज होता है, जो लास्ट साइज होता है वो होता है D3। अब D3 क्या है, डेजिनेशन है, उसका पद है, यानी कि उसका जो D3 वाले का नाम है वो D3 है, उसका जो साइज है वो है 500, 350। तो ये हमारे साइज हो गए। अब आप एक छोटी सी चीज देखिए कि जो हमारा D1 का 1500 है, उसके बाद स्टार्टिंग होता है 1500 के बाद 1000, जो 1000 है वो हमारा D1 का स्टार्ट पॉइंट है, और जो इसका सेकंड पॉइंट है कि किसका, D1 का, जो हमारा D1 का सेकंड पॉइंट है, यानी कि 700, वो हमारा D2 का फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि 700, D2 का 700, उसके बाद 500, यहां पर D3 का पहला है। तो ये आपके ड्राइंग बोर्ड के साइज हैं,
ये आपके ड्राइंग बोर्ड के साइज हैं, आप इन्हें देखिए। और याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि ये सिंपल वे में कि एक पहले का यहाँ पर, इसका यहाँ पर, ये एक बिल्कुल इजीली याद करने का तरीका है फ्रेंड्स। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।